हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत कुर्ती के फ्रंट में डिज़ाइन लेकर आए हैं, जिसके लिए दोस्तों हमने अपने कपड़े को कुछ इस तरह से डबल फोल्ड करके बिछाया हुआ है, और साथ ही दोस्तों हमने यहां पर अपना एक बचा हुआ प्रिंटेड कपड़ा भी लिया हुआ है, जिसकी मदद से आज हम आपको अपनी पूरी कुर्ती के फ्रंट में एक बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बनाना बताएंगे। हमने जो अपने कपड़े को फोल्ड किया है, देखिए दोस्तों, खुला हुआ हिस्सा आपकी तरफ है और बंद वाला हिस्सा ये देखिए हमारी तरफ है। यहां से हम इसे काट के पहले अलग अलग कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहां पर हमने अपने कपड़े को बिल्कुल काट कर अलग कर लिया है, और इसके बाद हम ऊपर वाले पीस को कुछ इस तरह से हटा देंगे, और हटाने के बाद में अब हम जो डिजाइनिंग करेंगे वो अपनी इस वाले पीस पर करेंगे जो नीचे रह गया था। तो डिजाइनिंग करने के लिए दोस्तों, सबसे पहले हम 1 इंच का मार्जिन देते हुए निशान लगा देंगे नीचे से लेकर ऊपर तक। तो ये हमने अपना निशान लगा दिया है। और दोस्तों, एक चीज़ और जान लीजिए, हमारा जो ये कपड़ा स्टैम्प पे रखा हुआ है, सीधा भाग ऊपर की तरफ है, और डिज़ाइनिंग भी हमारी सारी सीधे भाग पर ही होगी। तो अब चलिए मशीन पर बताते हैं। तो दोस्तों, डिज़ाइनिंग करने के लिए सबसे पहले आपको करना ये होगा, आपने जो अपनी ये मार्किंग की है 1 इंच वाली, इस मार्किंग को ही पहले इस तरीके से पकड़ लेना होगा ऐसे, और पकड़ने के बाद में 1/4 इंच होती है एक तो, और 1/4 इंच का भी आधा होता है, उतना मार्जिन लेते हुए आपको पूरी सिलाई लगा देनी है इसी निशान पर। तो देखिए दोस्तों, सिलाई जो आपको लगानी है वो इतनी बारीक लगानी है जितनी ये लगी हुई है, ये देख लीजिए ध्यान से। अब इसी तरीके से हम अपनी पूरी सिलाई को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहां पर हमने अपनी पूरी पिंटेक्स कुछ इस तरीके से डाल ली है, और ये हमारा नीचे वाला कपड़ा इस तरीके से बाहर आ जाएगा, ये देखिए अब। और इसी तरह से दोस्तों, हमें बाकी की पिंटेक्स भी यहाँ पर डालनी है। उससे पहले हम आपको अपना एक छोटा सा मैसेज देना चाहते हैं। दोस्तों, मैसेज ये है, हमारी एक वेबसाइट है जिसका नाम है www.rooffashionpoint.com, जो हमारे रूफ सर ने अभी अभी लॉन्च की है, जहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे अच्छे ब्लाउज के डिज़ाइंस, कुर्ती के डिज़ाइंस, और आप अपनी फेवरेट एक्टर्स के आउटफिट्स के बारे में भी जान सकते हैं, मतलब कि उन्होंने कौन सी ड्रेस कौन से फंक्शन पर पहनी हुई है। अगर आप इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारी वेबसाइट पर विजिट ज़रूर करें, जहां पर आपको हमारे सारे डिज़ाइन एक साथ देखने को मिलेंगे, और कुछ अलग तरह के डिज़ाइन भी आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद दोस्तों, हम जो पिंटेक्स डालेंगे वो इससे 1/2 इंच की गैपिंग पे डालेंगे, और इस तरह की 1/2 इंच की गैपिंग हमारी रहेगी लगभग 8 पिंटेक्स तक। टोटल हम अपनी 8 पिंटेक्स डालेंगे, तो एक ये हो गई और 7 और डालेंगे। तो ये देखिए, हमने यहाँ पर 1/2 इंच की दूरी पर अपनी पिंटेक्स पकड़ी है, और इस तरीके से पूरी सिलाई हम कंप्लीट कर देंगे सीधी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारी 2 पिंटेक्स कुछ इस तरीके से पड़ गई हैं। अब हम बाकी की पिंटेक्स भी अपनी डाल लेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने अपनी 8 पिंटेक्स जो है कुछ इस प्रकार से डाल ली हैं, और अब इसके बाद चलिए काउंटर पर। तो देखिए दोस्तों, कपड़े को हमने काउंटर पर बिछा लिया, और बिछाने के बाद में हमने अपनी पिंटेक्स का जो रुख है वो आपकी तरफ को कर दिया है प्रेस की मदद से। और दोस्तों, अगर आपको इसी तरह के रोज़ाना डिज़ाइन चाहिए तो हमारी वेबसाइट है www.rooffashionpoint.com, जहां पर आपको हमारे रोज़ाना इसी तरह के डिज़ाइन और कुछ अलग तरह के डिज़ाइन देखने को मिलेंगे। तो हमारी वेबसाइट पर विजिट ज़रूर करें। और अब आपको इसके बाद क्या करना है दोस्तों, ऊपर से अपने कपड़े में 7.5 इंच का एक सीधा निशान लगाना है। तो ये हमने अपना निशान लगा दिया है, और अब इसके बाद हम इतने कपड़े को काटकर अलग कर देंगे। और अलग करने के बाद में दोस्तों, अब हम अपना लेंगे प्रिंटेड कपड़ा, और प्रिंटेड कपड़े को यहां पर इस तरीके से जॉइंट लगा देंगे। तो देखिए दोस्तों, यहां पर हमने अपने कपड़े में जॉइंट लगा लिया है, और इसके बाद हम लेंगे वो कपड़ा जो हमने यहां पर 7.5 इंच में कट किया था, और इस कपड़े को इस तरीके से इसके ऊपर रखेंगे और मिलाकर कपड़े की कटिंग कर देंगे। तो ये हमने अपने नीचे वाले कपड़े की कटिंग कर दी है, और अब इसके बाद दोस्तों हम अपनी पूरी कुर्ती की कटिंग करना आपको बताएंगे। तो इसके लिए दोस्तों, हम अपने ऊपर वाले कपड़े को दोबारा वापस ले लेंगे, जो कि हमने इसके ऊपर से हटा दिया था, और इसको सही तरह से यहाँ पर जैसे हमने इसको कट करा था वैसे ही मिला लेंगे।
तो ये हमने पहले अच्छी तरीके से कपड़े को मिला लिया है और मिलाने के बाद में हाफ इंच का मार्जिन लगाते हुए सीधा निशान लगा देंगे। मार्क लगाने के बाद में दोस्तों इस मार्क से अंदर की तरफ हम अपनी फुल कॉलर वाली कुर्ती की मार्किंग कर लेंगे। आप भी बहुत आसानी से कर सकते हैं, ये बहुत ही आसान होता है क्योंकि हमने आपको ये सब सिखाया हुआ है। और ये हम अपने साइज़ के अकॉर्डिंग कर रहे हैं दोस्तों, आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग कर लें। तो दोस्तों ये हमारी फुल कॉलर वाली कुर्ती की मार्किंग हो गई है। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर अपने कॉलर का हाले का मार्क लगाएंगे। तो वो हाले का मार्क जो लगाएंगे हम यहाँ से लगाएंगे ऊपर से 3 इंच और इधर से 3 इंच। ये हमने 3x3 इंच पर निशान लगा दिया है और अब इसके बाद हम इसको इस तरीके से गोल कर देंगे और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो कटिंग किस प्रकार से करेंगे, ये आधा इंच का मार्जिन इस तरीके से छोड़ते हुए। और दोस्तों हमने अपनी बैक में हाला नहीं काटना है, बैक में हाला नॉर्मल तरीके से कटता है जैसे कॉलर वाली कुर्ती के लिए काटा जाता है। तो दोस्तों ये हमारी कटिंग हो गई है और अब इसके बाद चलिए मशीन पर हम बताते हैं इसमें क्या होगा। तो दोस्तों ये जो आप एक्स्ट्रा कपड़ा देख रहे हैं इसको हम पहले ही अब कट के अलग कर देते हैं। और अलग करने के बाद में दोस्तों हम लेंगे दो पट्टियाँ जिनकी चौड़ाई हमने 2 इंच ले रखी है और लंबाई 7.5 इंच ले रखी है। इनको हम अपने इस दोनों पीस में अटैच करेंगे। तो अटैच करने के लिए दोस्तों हम सबसे पहले लेंगे एक पट्टी और एक पट्टी हम उसमें जोड़ेंगे जिस पे हमने अपनी मार्किंग की है उल्टे भाग पर। इस तरीके से देखिए, इस तरीके से उल्टे भाग पर हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए इसे अटैच कर देंगे। नीचे की तरफ से दोस्तों आधा इंच इस तरीके से कपड़े को एक बार फोल्ड कर देंगे। तो ये हमने अपनी पट्टी अटैच कर दी है और अटैच करने के बाद में इस पट्टी को इस तरीके से खोलेंगे देखिए, और खोलने के बाद में यहाँ पर इस तरीके से नाखून से साफ कर देंगे। और अब हम इसे सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद में दोस्तों हम कपड़े को इस तरीके से पहले ऐसे मोड़ेंगे और फिर एक बार इस तरीके से इसके ऊपर मोड़ के ऐसे रखेंगे और यहाँ से सिलाई लगाते हुए इसको हम पूरा पैक कर देंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारी एक पट्टी जो है कुछ इस तरीके से अटैच हो गई है और अब इसके बाद दोस्तों हम अपने दूसरे वाले पीस में पट्टी को अटैच करेंगे, जो ये वाला पीस है हमारा। इस पीस में दोस्तों हम सीधे भाग के ऊपर अपनी पट्टी को इस तरीके से रखेंगे देखिए, और रखने के बाद में हाफ इंच का ही मार्जिन लेते हुए इसे सीधा अटैच करेंगे। और अटैच करने के बाद में पट्टी को इस प्रकार से खोलेंगे और खोलने के बाद में इस तरीके से पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे, मतलब कि बाहर की तरफ आपकी पट्टी नज़र नहीं आनी चाहिए। और इस तरीके से एक बार फिर से हम कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे ये देखिए, और फोल्ड करने के बाद में ऐसे करके यहाँ तक अपनी सिलाई को कंप्लीट कर देंगे। तो दोस्तों ये हमने अपनी सिलाई लगा दी है और अब इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर अपना एक हल्का सा इस तरीके से कट लगा देना है जिससे कि आपका मार्जिन बाहर की तरफ आ जाए। देखिए अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अपना दूसरा वाला पीस लेंगे, ये वाला जिस पर हमने अपनी पट्टी इस तरीके से जोड़ी थी, इस पीस को इस तरीके से यहाँ पर मिला कर रखेंगे ये देखिए। और मिलाकर रखने के बाद में दोस्तों पहले तो हम यहाँ पर टांकी बांधेंगे और टांकी बांधने के बाद यहाँ से हम अपनी किनारी की सिलाई शुरू करेंगे और हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए इस तरीके से कपड़े को अंदर फोल्ड करते हुए पूरी सिलाई से इसको अटैच कर देंगे एक दूसरे से। तो देखिए दोस्तों अटैच करने के बाद में हमारी कुर्ती का जो लुक है वो कुछ इस प्रकार से आ गया है। और अब बारी आती है देखिए दोस्तों कॉलर के हाले की। यहाँ पर हम दोस्तों नॉर्मल तरीके से अपना कॉलर चढ़ा लेंगे और कॉलर चढ़ाने के बाद में नॉर्मल तरीके से बाकी की सिलाई हम कर लेंगे। ये आप कर सकते हैं, बहुत ही आसान होता है।
और तैयार होने के बाद में दोस्तों टोटल जो लुक है इसका वो कुछ इस प्रकार से आएगा। और इसी के साथ दोस्तों हमारा आज का ये डिज़ाइन हुआ पूरा। आपको हमारा आज का ये डिज़ाइन कैसा लगा ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही दोस्तों हमारी इस वीडियो को और हमारे इस डिज़ाइन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें। दोस्तों आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। और दोस्तों अगर आपको इसी तरह के रोज़ाना डिज़ाइन चाहिए तो हमारी वेबसाइट है www.rooffashionpoint.com, जहां पर आपको हमारे इसी तरह के डिज़ाइंस और हमारे सारे डिज़ाइंस और कुछ अलग तरह के डिज़ाइंस आपको देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ खास लेकर आपके लिए। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।